Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start exercise 3.3. We will do the remaining questions. Before starting these remaining questions, let us discuss some concept of line and angles of class 7th. Now, suppose we have given the two parallel lines L and M, and also a given traversal line which cuts the two parallel lines L and M. Now we make some angles. Angle 1, 2, 3, 4. Angle 5, 6, 7, 5, 6, 7, and then 8. आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, doesn't matter. Now, first of all, we must know about interior and exterior angles. What are interior angles? जो अंदर की तरफ है, इस अगर इसे हम क्लोज कर दें तो एक बॉक्स के अंदर जो सारे एंगल आ गए अंदर की तरफ, उन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ है, वो सारे एंगल इंटीरियर एंगल, 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सारे एंगल हमारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स. फिर बात आती है एक्सटीरियर एंगल की. अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या हैं? कौन कौन से हैं? 1, 2, 7, 8 जो बाहर बाहर है वो सारे एक्सटीरियर एंगल है. क्लियर? नाउ वी डिस्कस को इंटीरियर एंगल्स. अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? द एंगल्स विच आर इनसाइड बट ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रैवर्सल लाइन. जो अंदर की तरफ तो है इन दोनों पैरेलल लाइन के, और पर इन दोनों पैरेलल लाइन के एक ही साइड में है. सो पेयर्स आर 4 and 5, एंड दूसरा पेयर क्या बनेगा? 3 and 6. क्लियर? सो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. इनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी सारी. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा एंगल क्या है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3, 5, 4, 6. 3 के साथ 5 और 4 के साथ 6. और इन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 7, 2, 8. क्लियर? सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने देख लिए, एक्सटीरियर एंगल हमने देख लिए, सारे एंगल हम देख चुके हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. ऑल alternate angles are equal. सभी alternate angle आपस में क्या होंगे? Equal होगा. 3, 5 के equal आएगा, 4, 6 के, 1, 7 के and 2, 8 के. Clear? Now, all co-interior angles give a sum of 180 degree. इन दोनों का सम कितना जाएगा? 180 degree. इन दोनों का सम कितना जाएगा? 180 degree. So, angle 4 plus angle 5 कितना होगा हमेशा? 180 degree. Clear? सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा? 180 डिग्री. नाउ वन मोर एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं हमारे पास? जस्ट लाइक 1 and angle 4 and angle 8. और एंगल 2 एंड एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ऑल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक रूल्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Come to question number 7. In this question number 7,
find the value of the x, y and z, and this HOPE is the parallelogram. Now अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है इक्वल होते हैं. सो एंगल ई एच ओ इज इक्वल टू एंगल 70, जेड प्लस 40 इज इक्वल टू 70. वाई? बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 70 माइनस 40 30. तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 30. नाउ एंगल वाई इज इक्वल टू 40. अब ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स. नाउ वी हैव फाइंड y and z. Now come to the x. Parallelogram के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, parallelogram जो होता है उसके दोनों adjacent angle का सम कितना होता है 180. और हमने अभी भी corresponding angle, co-interior angle में भी पढ़ा था co-interior के दोनों co-interior angle का सम कितना होता है 180. तो हम इसको यहां लिख सकते हैं angle x plus z plus 40 दोनों को मिलाएंगे तो इक्वल टू कितना आना चाहिए 180. आप यहां देख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180. सो हमने यहां से क्या देखा x प्लस z की वैल्यू कितनी थी 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 180. x is equal to कितना आएगा 180 minus 70 is equal to 110 is equal to 110. तो हमारे पास x z की वैल्यू आई yes, y की वैल्यू आई yes, x की भी वैल्यू आई yes. तो क्वेश्चन इज कंप्लीट. सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. इन द क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल. Opposite sides of parallelogram are always equal. अब हमेशा equal होती है तो 3x is equal to क्या हुआ 18. Clear? X is equal to कितना हुआ 18 by 3. It means 6. And second portion क्या बन गया 3y minus 1 is equal to 26. 3y is equal to 27. 1 उधर जाके add हो जाएगा transpose होगा 3 से divide करेंगे तो we get 9. So इसकी x की value 6 y की value 9. Clear? Now come to the next part, part number 2. In this diagram the diagonals of the parallelogram always bisect each other. The diagonals of the parallelogram bisect, always bisect each other. So, इनके दोनों का एक portion क्या होगा? Equal. यहाँ से देखेंगे x plus y is always equal to 16. Clear? और second portion क्या है? y plus भी 7 is equal to 20. So पहले हम ले लेते हैं y plus 7 is equal to 20. उससे y की वैल्यू आ जाएगी then we put the y value of the y in the other equation. So y plus 7 y plus 7 is equal to 20. Now y plus 7 is equal to 20. So y is equal to कितना आया y is equal to 20 minus 7 we get 13. Now another pair was x plus y. This x plus y is equal to 20. यहां से हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x plus 13 is equal to 20. इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट x is equal to 7. x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई. क्लियर? सो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 13 होगी पार्ट नंबर सेकंड के लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. इन दिस क्वेश्चन
हमारे पास दो पैरेललोग्राम गिवन है, एक है आर आई एस के, दूसरा है सी एल यू ई, क्लियर। इन दोनों में दो एंगल हमें गिवन है 120 और 70 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स। नाउ वी नो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि दोनों कोइंटीरियर एंगल, दोनों आपस में क्या बनाते हैं, कोइंटीरियर एंगल। सो एंगल आर आर के एस प्लस एंगल के एस आई, दोनों का सम कितना है 180, एंगल दिस एंड एंगल दिस। आर के एस की वैल्यू है 120, एंगल के एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल के एस आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो वी गेट 60। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली हम ये कौन से पैरेललोग्राम में थे, आर आई एस के। अब दूसरा पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, क्यू सी एल यू ई। तो इधर क्यू क्या है हमारे पास गिवन, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, सो एंगल सी ई यू इज इक्वल टू एंगल सी एल यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो अब हमारे पास ये एंगल आ गया 70। अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, अब एक ट्रायंगल गिवन है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ई ओ एस, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रायंगल की, तो क्या होगा, x प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कितना आ गया x की वैल्यू 60 प्लस 70 130, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 180 में से गया 130 तो 50 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन द क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव टू एक्सप्लेन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। सो हियर द सम ऑफ एंगल्स ए बी सी प्लस एंगल BCD is equal to 80 plus 100 180। अब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, दे आर सप्लीमेंट्री, सो इट मींस ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। AB is parallel to DC, so ABCD क्या हो गई, is a trapezium। Now come to the question number 11। Find the angle C। एंगल बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, ए बी पैरेलल टू बी सी, इट मींस ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो बी सी एक ट्रेवर्सल लाइन बन जाएगी इसके लिए, बी सी क्या बन गई है, ट्रेवर्सल लाइन, तो ये दोनों क्या बन गए, कोइंटीरियर एंगल। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। हमने लिख दिया कोइंटीरियर एंगल्स, एंगल बी की वैल्यू 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ अवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट।